जो इनके चुनाव में लगातार लगे रहे छात्र संघ के चुनाव में। अभी हम मोहित प्रकाश जी से पूछ रहे थे, आप बड़े हो कि आनंद मोहन बड़े, कहीं कहा कि सर वही बड़े हैं, अध्यक्ष पहले हम बन गए वो बाद में बने हैं, लेकिन हमसे बड़े वही है। क्योंकि छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं वो कल के देश के भविष्य, हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर, आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप हैं और देश के भी भविष्य आप हैं, दोनों के भविष्य आप हैं। समारोह के अध्यक्ष और छात्र जनता दल के अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के भूतपूर्व विधान पार्षद, पार्टी के नेता रणवीर नंदन जी, पार्टी के नेता और मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद में श्री संजय गांधी जी, पार्टी के महासचिव मृत्युंजय जी, पार्टी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहित प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित सभी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, काउंसिल के मेंबरगण और साथी, सबसे पहले तो हम पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का जो चुनाव हुआ उसमें जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष आनंद मोहन जी को, उपाध्यक्ष विक्रमादित्य जी को, संयुक्त सचिव संध्या कुमारी जी को, कोषाध्यक्ष रवि कांत जी को और काउंसिल के मेंबर धीरज कुमार जी, सलोनी राज जी, ट्विंकल कुमारी जी, महिमा फातिमा जी, आदित्य आलोक जी, सबों को हम हृदय से बधाई देते हैं। और आप सभी साथी जो इनके चुनाव में लगातार लगे रहे छात्र संघ के चुनाव में, और आज भी यहाँ इनके अभिनंदन में भी आप सब लोग हाजिर हुए हैं, आप सबों को भी हृदय से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। रणवीर नंदन जी जो लगे रहे चुनाव में, पार्टी के नेता हैं, उनको भी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और अनुप्रिया जी जो पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और छात्र संघ से पहले से जुड़ी रही हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। अब मोहित प्रकाश जी तो हैं ही पहले छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, अभी हम मोहित प्रकाश जी से पूछ रहे थे कि आप बड़े हो कि आनंद मोहन बड़े, कहीं कहा कि सर वही बड़े हैं, अध्यक्ष पहले हम बन गए वो बाद में बने हैं, लेकिन हमसे बड़े वही हैं। तो हम मोहित प्रकाश जी को भी बधाई देते हैं और पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। देखिए, यह जीत जो है छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं वो कल के देश के भविष्य, हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर, आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है, राजनीति का भी भविष्य आप हैं और देश के भी भविष्य आप हैं, दोनों के भविष्य आप हैं। क्योंकि आप सबसे निचले, राजनीति का जो सबसे निचला पायदान होता है वहां आप खड़े हैं। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। 1974 के आंदोलन में हम सक्रिय हुए, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में, के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में हम सक्रिय हुए। और उस समय हम TNB कॉलेज भागलपुर के छात्र थे, और TNB कॉलेज भागलपुर के छात्र संघ के पदाधिकारी थे, उसमें हम संयुक्त सचिव, और बाद में जाके हम वहां के छात्र संघ के
जनरल सेक्रेटरी हुए, महासचिव हुए। तो हमने जो राजनीतिक अपनी शुरुआत की 1974 के आंदोलन से, वो छात्र नेता के रूप में और छात्र संघ के पदाधिकारी के रूप में। तो इसलिए हमने ये कहा कि आप देश के भविष्य, आप राजनीति के भी भविष्य। किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में, हम जब छात्र आंदोलन में आए थे 74 में, तो हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम किसी पार्टी के सांसद बनेंगे, किसी पार्टी से हम किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बने। तो इसलिए आप में जो प्रतिभा है, वो आज आप नहीं कोई इसको जानता है, लेकिन भविष्य में आप ही राजनीति के भी भविष्य हैं और देश के भी भविष्य। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है नौजवानों के सामने, आज नौजवानों के सामने में अभी चर्चा कर रहे थे रणवीर नंदन जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग का जो सबसे पॉपुलर चुनाव प्रचार में और चुनाव अभियान में जो सबसे पॉपुलर डिमांड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि भाई पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, आप आज घोषणा कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उस पर चर्चा भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा, न हा कहा न ना कहा। देखिए पटना में आज NIT है, आप सबको मालूम है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। वो जब सांसद थे, हम लोग भी सांसद थे, तो उस समय उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी जो मंत्री थे, शिक्षा विभाग के HRD मिनिस्टर थे माना, उनको जाके उन्होंने कहा कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको आप NIT बनाइए। और मुरली मनोहर जोशी जी ने इसको स्वीकार किया और आज NIT पटना में बना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो लगाव रहा, और इसलिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की। हम लोग जब यह चर्चा करते हैं कि आज का जो NDA है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, वो पुराना अटल जी का और आडवाणी जी वाला NDA नहीं है, इसलिए कि अटल जी और आडवाणी जी का जो NDA था उसमें नीतीश कुमार जी ने मांग किया और उसको सहर्ष स्वीकार किया गया। और आज के NDA का अंतर यही है कि वही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से पटना विश्वविद्यालय के फंक्शन में, और प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। क्या पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है इस देश का, और आज पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं हो। देखिए आज नौजवानों को और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, बेरोजगारी की। हम लोग 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने 2014 के चुनाव के बाद, हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, हम उस चुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि इस देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों का रोजगार का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और हमने देखा अपने क्षेत्र में, जब हम चुनाव प्रचार में गांव में जाते थे, जब लोगों से वोट मांगते थे, तो लोग कहते थे कि हम तो वोट आपको देने के लिए तैयार हैं, हम तो वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, मेरे घर में मेरा बच्चा कर्नाटक में पढ़ता है, बंगलोर में पढ़ता है, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में पढ़ता है, वो सब कॉलेज छोड़ छोड़ के यहाँ आके बैठा हुआ है घर में, और हम लोगों का दरवाजा रोक के खड़ा है, कहता है कि इस बार भर हाथ जोड़ के आप लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। मैंने ये स्थिति थी पूरे देश के, जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव में आ गए, और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार देंगे। भाई 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था,
तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? क्या मिला? अग्निवीर, अग्निवीर क्या हुआता है? अग्निवीर देखिए, हम सांसद हैं, हमको मालूम है 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है कैंप लगकर आकर लगभग लाखों नौजवानों का चयन हो गया था 2020 के पहले, उनका मेडिकल हो गया और सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी था, नहीं हुआ, सबको फाड़ के फेंक दिया गया और उसके जगह पर क्या बना? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है भाई? तो 4 साल के लिए हम आपको लेंगे और उसके बाद रोड पर हम टाला देंगे। वही 4 साल अगर कोई आप छात्र हैं, आपका अगर 20 साल 21 साल 22 साल उम्र हुआ और 4 साल जाके आप अग्निवीर का नौकरी कर लीजिएगा और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सके। तो ये बेरोजगारी के प्रति इस सरकार का नजरिया है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग छात्र हैं, रोज टीवी देखते हो, इस देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कभी आपने टीवी पर देखा है कि केंद्र की सरकार ये चर्चा करे कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए और इस देश में रोजगार सृजन के लिए हम ये योजना बना रहे हैं? कभी आज तक कभी चर्चा होती है टीवी में? नहीं होती। चर्चा क्या होती है? कैसे धार्मिक उन्माद फैलाना। सुबह से शाम तक अगर टीवी देखिएगा, कभी हमारी बात आज मान लीजिए और कल देखिएगा, भोरे टीवी खोलिएगा शाम तक देखिएगा, खाली दिन भर यही चलेगा कि कहां शिवलिंग निकल गया, कहां मूर्ति निकल गया, कहां पूजा हो रहा है, कहां इस देश के प्रधानमंत्री कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे जल ढार रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहन के गए हैं, कैसे केदारनाथ मंदिर में समाधि में बैठे हैं। यही हो भाई, देश की सरकार है, देश में सरकार बनती है किस लिए? आज नीतीश कुमार जी बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कैसे, क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम किया, इस राज्य की जो समस्या है उस समस्या से उन्होंने उसका समाधान किया, राज्य की सड़कों का निर्माण कराया, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया। तो ये स्थिति, तो आप केंद्र की सरकार है जो देश की समस्या है उसके प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई योजना नहीं है, भावना को भड़का के वोट लेना। अरे भाई, भावना को भड़का के कुछ दिन के लिए चल जाएगा, कितना दिन आप चलाइएगा? 10 साल हो गया, 2024 में जब चुनाव होगा तो 10 साल होगा, तो 10 साल में हिसाब तो बताइएगा ना इस देश की जनता को कि भाई 10 साल आपने हमको शासन करने का अवसर दिया, हम इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष रहे और 10 वर्षों में हमने देश की इन इन समस्याओं का समाधान करने का काम किया, वो बताए? वो नहीं बताए, इसलिए कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भावना भड़का के वोट लेने का काम किया। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप देश के भविष्य हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, जो आपके पटना विश्वविद्यालय के की समस्या है, उन समस्याओं के प्रति सजग रहें। और नीतीश पटेल जी से हम आग्रह करेंगे और रणवीर नंदन जी से भी आग्रह करेंगे कि देखिए, सिर्फ पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव जीत गए तो इतने से चद्दर ओढ़ के सोइए मत। अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का चुनाव होने वाला है, तब कल से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में लग जाइए, और कोई जरूर नहीं है अब तो, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेज तो पटने में है, तो सब पटने में है, अब पटना यूनिवर्सिटी से हुजूम में निकलिए और हर कॉलेज में जाके प्रचार करिए,
उम्मीदवार तय करिए, हम लोग तो कहीं हस्तक्षेप करते नहीं। इस बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था, हमारे पास लोग आए, हमने नीतीश पटेल जी अध्यक्ष जी को कहा कि सभी जो छात्र नेता हैं सबको बैठा लीजिए और सबको बैठा के आपस में आप लोग तय करिए कौन उम्मीदवार होगा और हम लोगों को पार्टी की तरफ से जो भी मदद करना होगा हम लोग उसको मदद करने का काम। उन्होंने तय किया और तय किया तो आज देखिए उसका रिजल्ट है। हमको एक और चुनाव याद आ रहा है, जब मोहित जी हुए थे अध्यक्ष, एक आध आदमी थे जो अपने को बहुत बड़ा भारी स्ट्रेटजी वाले समझते थे, अपने को बहुत बड़े तो रणनीतिकार थे, तो रणनीतिकार स्ट्रेटजिस्ट वही ना होता है, तो वो रणनीतिकार थे। एगो मोहित प्रकाश जी जीते थे और उनके साथ एक आध दो लोग और जीते थे। इतना भारी हंगामा किए पटना में कि कहाँ कहीं छापा मरवा रहे हैं, तो कभी बंद शीशा चढ़ा के वीसी के घर पर चले जा रहे हैं। क्या मतलब है भाई, ये छात्रों का चुनाव है, छात्र को अपना प्रचार करने दीजिए, छात्र को अपना चुनाव लड़ने दीजिए। आप बाहर से जो उसको मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। और हम लोगों ने इस बार कोई नहीं, कहीं से कोई हाय नहीं किया नीतीश पटेल जी से। हम तब तो नीतीश पटेल जी को हमने कहा कि नीतीश पटेल जी आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए, आप लोग चुनाव की रणनीति खुद बनाइए, रणवीर नंदन जी आपके गार्जियन हैं, उस समय भी थे, वो रणनीतिकार के साथ भी थे। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोग अपनी रणनीति बनाइए, अपना चुनाव प्रचार कीजिए, हम लोगों को जो मदद मांगिएगा हम लोग सदैव 24 घंटा मदद करने के लिए तैयार हैं। और यही कह के हम आज आप सभी साथियों को फिर से बधाई देते हैं कि अब आने वाले समय में पाटलिपुत्रा का भी चुनाव है और दूसरे यूनिवर्सिटी का चुनाव है। नीतीश पटेल जी बनाइए टीम और सब जगह दौरा करिए और हर यूनिवर्सिटी में उम्मीदवार तय करिए और हम लोगों से जो सहायता लेना हो हम लोग उससे सहायता लीजिए और चुनाव को जीतिए और देश के भविष्य में अपने आप को स्थापित करिए। यही आप सबसे आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात पुनः सबको बधाई देते हुए समाप्त करते हैं। अब बाकी तो फिर 4:30 बजे चलना है वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो इसलिए बहुत लोग चलेंगे वहाँ, तो इसलिए वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके मिलेंगे सबको, मुख्यमंत्री जी भी, जो नव निर्वाचित जो पदाधिकारी हैं सभी, उनको बधाई देना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ सब लोग चलिए। तो इसलिए आज सभी साथियों को पुनः एक बार बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आप सब लोगों के लिए नाश्ता का पैकेट भी पार्टी की तरफ से आया हुआ, तो नाश्ता का पैकेट ले लीजिए। और संध्या जी आई है, इनका एग्जाम था, ये भी भूखे होंगी, तो इनको भी पैकेट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।